माता को सिंदूर चढ़ाने से आपके अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। सिंदूर दान करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। नव विवाहित स्त्रियों को सिंदूर दान करने से आपके जीवन में विवाह का योग जल्दी बनता है। भोजन इत्यादि करा करके सिंदूर का दान करें। सिंदूर के साथ साथ आप और कुछ सौभाग्य की सुहाग की चीजें दे सकते हैं। आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों ही कर सकते हैं इसको। देवी मंदिर में नारियल को खूब पूरा सिंदूर से ओत पोत करके उनके चरणों में चढ़ाने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। देवी की छोटी मूर्ति रख करके सिंदूर से अभिषेक कराएं किसी विज्ञाचार्य को बुला करके, ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। आप स्वयं भी ये काम कर सकते हो। कोई भी देवी स्तोत्र उठा लीजिए जो आपको पसंद हो, नहीं आता हो तो आप बजा लीजिए। अहिगिरि नंदिनि नंदित नंदिनि विश्व विनोदिन विष्णुनुते जय जय श्री महिषासुर मर्दिन ब्रह्म कपर दिन शैलशुते। तो आप कोई भी स्तोत्र जो आपको पसंद आए, जो स्तुति देवी की पसंद आती है, उसको बजा दीजिए और धीरे धीरे सिंदूर उन पे गिराते रहिए और उनको सिंदूर में नहाने दीजिए, स्नान करने दीजिए सिंदूर से। सिंदूर से देवी को स्नान कराने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और विवाह योग जल्दी बन जाते हैं।